अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो रात में झाड़ू को चुपचाप रख दें यहाँ। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस गलती के कारण मिलता है कुत्ते का जन्म, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी महिलाओं की उस गलती के बारे में जिसके कारण गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। आज के समय में हर कोई अपने जीवन में खुशहाली चाहता है और इसके लिए वो दिन रात हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन हर किसी के जीवन में अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियां आती रहती है। ऐसे में इंसान को घबरा कर नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब व्यक्ति के लाइफ में सब सही चल रहा हो तो कई बार इंसान के हाथों ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मुसीबतों में घिर जाता है और उन्हीं गलतियों की वजह से व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि उनसे कभी भी कोई गलती नहीं हुई होती, जबकि ऐसा नहीं होता। इंसान से अपनी लाइफ में कभी न कभी अनजाने में ही बहुत सी गलतियाँ हो जाती है जो कि शायद उसे पता तक न चलती हो। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आज हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि व्यक्ति के शोक और गरीबी का कारण बनती है। नारद पुराण में एक बहुत ही आम गलती बताई गई है जिसे ज्यादातर सभी लोग अपने जीवन में अवश्य करते हैं। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को अपने बालों को कभी भी मुंह से नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसकी वजह से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके सुख में भी कमी आती है। तो आइए जानते हैं इसी तरह की गलतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर एक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने सर पर तेल मालिश करते हैं तो बचा हुआ तेल अपने सर पर लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे लाइफ में दुख और परेशानियां आती हैं और साथ ही शरीर अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं होती। नंबर दो, भगवान कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी दिन के समय सोना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो लोग दिन में सोते हैं उनके घर में धन का अभाव बना रहता है। इसके साथ ही सूर्य उदय और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। नंबर तीन, व्यक्ति को गलती से भी निर्वस्त्र नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से देवी देवता और पितृगण नाराज हो जाते हैं। नंबर चार, व्यक्ति को हमेशा मदिरा पान और जुए की लत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। नंबर पाँच, व्यक्ति को अपने नाखूनों को दांतों से नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और साथ ही कई बीमारियों का डर बना रहता है। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और शादी के बाद जिस घर जाती है उस घर से उनकी किस्मत जुड़ जाती है, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें महिलाओं को रात के समय में नहीं करना चाहिए। इससे उनकी भी किस्मत बदल सकती है और घर की भी। ये वो काम है जिन्हें रात में ना करें। नंबर एक, सूर्यास्त के बाद महिलाओं को किसी के घर दूध दही नमक तेल और प्याज लेने नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में बाधाएं आती हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महिलाओं को सोने से पहले अपने बालों को नहीं धोना चाहिए, ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। नंबर तीन, महिलाओं को रात में किचन में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे घर पर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, घर में हमेशा वैभव संपन्नता और शांति आती है। नंबर चार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं को हफ्ते में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक किसी कागज पर रखकर फर्श के ऊपर रख देना चाहिए। इसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले बिना किसी से बात किए कागज वाले नमक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर पाँच, रात को सोने से पहले अपने घर की झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें, इससे धन लाभ होगा। नंबर छह, रात को सोने से पहले रसोई में एक बाल्टी पानी भर कर रखें, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, जबकि खाली बाल्टी घर में तनाव और चिंता लेकर आती है। नंबर सात, घर की सफाई, अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है।
नंबर 8 कंघी करना। सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। खाना पकाना, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 10 नहाना। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 11 महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 12 क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 13 जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 14 चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर 15 ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दे, विनाशकारी हो सकता है ये, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से आता है। दोस्तों नंबर 16 अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इसे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर 17 अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 18 महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। आइए अब जानते हैं कि किस कारण व्यक्ति को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा और ऐसी गलती करते हैं जिस कारण अगले जन्म में भी उसका भुगतान करना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िये के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद ही उसे मनुष्य योनि में फिर से जन्म मिलता है। वहीं जो औरत अपने पति को सम्मान नहीं देती, उसे लात से मारती है, अपशब्द कहती है और बिना वजह बात बात पर लड़ती है, उसे अगले जन्म में सुअर की योनि में जन्म मिलता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।